तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का फिर से नए वीडियो में। तो दोस्तों जो है कि अभी इस समय क्रोशिया के अंदर बहुत ऐसे जॉब हैं जहाँ पे लोगों की कमी है, उनके पास वर्कर्स नहीं है, काम इतना है, काम हो नहीं पाता है टाइम से। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पे वर्कर कमी है, वर्कर है नहीं और काम ज़्यादा है, पर बहुत हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क की वजह से जो लोग जाते हैं काम पे, इंडियंस लोग चाहे कोई भी जाता है, तो और लोग कुछ दिन काम करता है, कुछ दिन के बाद छोड़ देता है, बोलता है कि यार हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत हार्ड वर्क काम करवाते हैं और जितना ड्यूटी करवाते हैं उतना सैलरी देते नहीं है। तो इसकी वजह से जो है कि काफ़ी लोग जॉब छोड़ देते हैं और भटकते हैं। तो भैया यहाँ पे आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो हर जगह आपको हार्ड वर्क ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ वाले खुद हार्ड वर्क करते हैं और दूसरों से करवाते भी हैं। जो भी आपको हायर करेगा, सैलरी देगा, वो आपको पक्का है, 100% है कि वो भैया हार्ड वर्क करवाएगा ही करवाएगा आपसे। तो आपको आपको जो है कि हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा अगर आपको ड्यूटी करना है, क्रोशिया के अंदर रहना है, तो पैसे कमाना है। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा हाई क्वालिफाई होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, आईटी क्षेत्र में होते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जो वर्कर्स में आते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, डिलीवरी बॉय में हो, वेयरहाउस में हो, पैकिंग हेल्पर में हो, क्लीनर में हो, कोई भी बंदा हो, वो उनको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। कुछ महीनों पहले मैं कई लोगों से मिला था, उनकी शिकायत यही थी कि हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, जितना हम काम करते हैं उतना हमें सैलरी नहीं मिलता। तो क्लीनर की बात करें, क्लीनर्स लेडीज क्लीनर थी जो बोल रही थी हमें एक दिन के अंदर जो है कि 18 से 20 रूम का जो है कि सब बेड शीट हटाना है, लगाना है, उसका पूरा सफाई करना है, टॉयलेट सफाई करना है। एक एक दिन में 20-20 रूम का डिमांड करते हैं कि भैया एक दिन में 20 रूम को कंप्लीट करना है क्लीनर के लिए। जो भी वो काम करते हैं उनका बेड शीट हटाने का है, फिर बेड शीट लगाने का है, सफाई करने का है, टॉयलेट सफाई करने का है, टोटली। तो वो पूरे दिन में 20 करते करते थक जाते हैं और बोलते हैं कि बहुत हार्ड वर्क है और जितना वो काम करते हैं उतना पैसा उन्हें नहीं मिलता है। और काफ़ी लोगों से मैं लड़कों से मिला था जो कि फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लकड़ी की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जब मशीनें चलती हैं लकड़ी को हटाना पड़ता है, तो काफ़ी हार्ड वर्क होता है वहाँ पे। और जो है कि हार्ड वर्क 8 ही घंटे ड्यूटी करना होता है, लेकिन 8 घंटे में पूरी हालत ख़राब हो जाती है। तो लोग बोलते हैं कि हमें ड्यूटी चेंज करना है, हमें दूसरी कंपनी में ज्वाइन करना है। तो ये सब काफ़ी समस्या होती हैं। तो मैं आपको बस इतना ही बता दूँ भैया कि किसी भी क्षेत्र में जाएंगे आप, आपको जो है कि आप कहीं भी जाएंगे तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, बिना हार्ड वर्क किए पैसे नहीं मिलता है। हम लोग हैं, मैं इतने से काम करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ आप लोग के बीच में, लेकिन अब तक मेरा जो प्रोफेशनल जॉब है मैं उसको छोड़ा नहीं हूँ। आज भी मैं सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक ड्यूटी करता हूँ अपना, वो कितना भी हार्ड रहने दो। टाइल चढ़ाना पड़ता है, टाइल चढ़ाते हैं, सीमेंट चढ़ाना पड़ता है, सीमेंट चढ़ाते हैं, 5-5, 6-6 मंजिल तक चढ़ाते हैं। और आज भी हम वैसे ही जैसे पहले थे। लोग बोलते हैं कि करोड़ों कमा लिया, पर वो बात है नहीं, जो बोलने वाले बोलने दो। आज भी हम नौकरी करते हैं, पहले भी नौकरी करते थे, अभी भी नौकरी करते हैं। अगर हम इतना कमा लेते तो बहुत अच्छी ऑफिस बना के हम भी बैठ जाते हैं लोगों की तरह, सिर्फ विड्रो बनाने पर ही आश्रित हो जाते हैं हम भी, पर हम विड्रो पर आश्रित नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अपना जॉब पहले है, उसके बाद वीडियो है, उसके बाद यूट्यूब है। तो आप लोग को जो मेरी जानकारियाँ होती हैं उसके रिगार्डिंग जो है कि मैं वीडियो में बताता हूँ, आपको समझाता हूँ लोगों के साथ। यहाँ पे जो लोग कंपनी छोड़ के भाग जाते हैं और लोग दूसरी कंपनी में जाते हैं, पता चलता है कि जो पहले कंपनी थी हमारी वो तो बहुत अच्छी थी, दूसरे में जाते हैं उससे बेकार मिल जाती है, तीसरे में जाते हैं उससे बेकार मिल जाती है। तो ये सब सिलसिला चलता है यहाँ पे क्रोशिया के अंदर। तो आपको मेरा स्पेशल सजेशन यही रहता है कि भैया आपको जो है कि कंपनी नहीं छोड़ना चाहिए, जब तक कि कोई मेन रीजन ना हो, ज़्यादा समस्या ना हो, सैलरी का प्रॉब्लम हो, तब तक नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, यदि आपके पास आपको सैलरी कम देता है, हार्ड वर्क लेता है, आपको लगता है कि इसमें हमें रह कर हमारा कोई ग्रोथ नहीं होगा, हम कोई आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा कोई प्रमोशन नहीं होगा और कुछ पैसा ज़्यादा कमाएंगे नहीं, सैलरी इंक्रीज नहीं होगा, तो आप कंपनी छोड़ सकते हो बिंदास। लेकिन उसके पहले आपके पॉकेट में पैसा रहना चाहिए कुछ दिन के लिए, ताकि आपको कोई समस्या यहाँ पे ना हो, क्योंकि कंपनी छोड़ेंगे तुरंत आपको काम नहीं लगने वाला। तो आप छोड़ के तुरंत काम नहीं लगेगा, आपको यहाँ पे रहेंगे, ढूंढेंगे, अच्छी जॉब सर्च करेंगे, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो काफ़ी लोग परेशान हैं इस समय, मेरे जो
कई लोग हैं सब्सक्राइबर हैं जो यहाँ पे आके कंपनी छोड़ दी हैं और उनके पास जॉब नहीं है, बार बार फोन करते हैं तो देखते हैं उनका कुछ मदद करते हैं। काफी लोग का इसके पहले मैंने मदद किया था पर वो चीज़ है नहीं कि हाँ हमें चलो नौकरी लग गई कुछ एहसान करें एहसान रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों का काम निकल जाता है, लोग भूल जाते हैं, उल्टा अनाप शनाप बातें करते हैं जब आदमी अपनी मजबूरी से निकल जाता है। तो काफ़ी लोगों का जो मदद किया हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन वो जाने दो, अपना काम है लोगों का हेल्प करना। लोग अपनी जॉब लग जाए किसी को अच्छी तो अच्छी बात है। तो दोस्तों आप लोग से बस इतना ही कहना है कि यहाँ पे हार्ड वर्क है और हार्ड वर्क के बिना आपको पैसे नहीं मिलने वाला है। आप सोच रहे हो कि आराम से बैठे कुर्सी पैसे मिले तो ऐसा नहीं है। तो यदि आपको क्रोशिया आने का प्लानिंग करें तो क्रोशिया आइए, अच्छी बात है, यहाँ पर पैसे है पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आशा है कि आप लोग को जो है कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आपको आपके बीच में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा और अभी जो है कि वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा, फिर मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, नमस्कार।